शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह बात कही थी। 26 जनवरी का दिन है और 26 जनवरी संविधान लागू होने का दिन है। इस दिन हमें संपूर्ण आजादी मिली। फिलहाल मैं लातेहार जिले में, पता नहीं मैं लातेहार जिला बोलूं या रांची जिला बोलूं या लोहरदगा जिला बोलूं, मुझे पता नहीं, लेकिन जिस स्कूल में हूं, मैं एक स्कूल में हूं, स्कूल में रोज संविधान पढ़ाया जाता है। ये लातेहार जिले का स्कूल है। इस स्कूल का नाम है राजकीय मध्य विद्यालय बेतर नवाटांड चंदवा लातेहार। इस स्कूल में हर रोज संविधान की प्रस्तावना बच्चों को याद दिलाई जाती है। बच्चों को बताया जाता है कि तुम्हारी ताकत क्या है, शिक्षा क्या है। देखिए फिलहाल यहाँ पर चूंकि 26 जनवरी के पैरेड का रिहर्सल चल रहा है और पैरेड रिहर्सल के बीच बच्चे अभी फिलहाल खाना खा रहे हैं, तो इस स्कूल की खासियत यह है कि स्कूल में रोज संविधान की प्रस्तावना एक बार बच्चों को जरूर पढ़ाई जाती है। लेकिन उससे पहले हम चूंकि लंच ब्रेक के दौरान पहुंचे हैं, बच्चे लंच कर रहे हैं। देखिए बच्चों को बाकायदा मध्यान्ह भोजन का खाना दिया गया है। मध्यान्ह भोजन बहुत तरीके से अपने हिस्से का खाना लेकर के गोल गोल बैठ करके बच्चों को यह समझाया जा रहा है कि आप चाहे किसी भी धर्म से हो, आप चाहे किसी भी जाति से हो, आप एक साथ बैठ करके खाना खाएंगे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में देखिए बच्चे एक साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं। सारे बच्चे हैं यहाँ पर मौजूद हैं, सभी बच्चे। और सबसे गजब बात देखिए, वो छोटी सी बच्ची, वो स्कूल की सदस्य नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ पर खाना खाने के लिए बाकायदा आई हुई है, खा रही है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर बच्चे आपको ऐसे दिखेंगे जो इस स्कूल के सदस्य ना होते हुए भी, चूंकि देखिए ये बड़ा जो है पिछड़ा इलाका है, गरीब इलाका है। जो 90% यहाँ की आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी यहाँ पर शिक्षकों को हर घर जाकर के रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप अपने बच्चों को भेजें, नहीं पढ़ने के लिए मत भेजें, लेकिन कम से कम खाना खाने के लिए तो भेजें। खाना खाने के लिए आप भेजेंगे तो बच्चों को आदत बनेगी स्कूल आने की, और उस आदत के बाद बच्चे जो है वो स्कूल आने लगेंगे लगातार। देखिए बच्चे खा रहे हैं, बहुत खूबसूरत आपको मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा हूँ। बच्चे खा रहे हैं, एक एक करके बच्चे जो हैं वो खा रहे हैं। लेकिन समस्या भी है, समस्या की तरफ मैं रुक करूंगा, उससे पहले एक बार मैं बच्चों से बात करता हूँ। बेटा क्या नाम है? नेहा उराव। नेहा उराव, कौन क्लास में हो? 5 में हो? अरे वाह, क्या बना है आज खाने में? दाल। दाल और? और मूली। अरे वाह, मूली, मुरई की मूली। और क्या बना है? और साग। और साग, अच्छा लग रहा है खाना? जी। चलिए बहुत अच्छा। 5 प्लस में बेटा? जी। तो गिनती आता है? जी। कितना तक गिनती आता है? कितना तक आता है गिनो? चलो हमको इंग्लिश में 1 से लेकर 10 तक सुनाओ तो एक बार। नहीं आता है, अच्छा कोई बात नहीं है। और क्या आता है? ABCD आता है? जी। ABCD आता है, सुनाओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब मैंने आप सोचिए कि मैंने क्यों बताया गिनती और उसके लिए ABCD के लिए। जैसा कि 26 जनवरी का दिन जो है संपूर्ण आजादी का दिन है, ये उरांव तबके से आती है ये बच्ची। उरांव तबका यानी एक आदिवासी तबका। जिस दिन देश आजाद हुआ था 1947 में, किस उरांव ने सोचा था कि उसकी बच्ची ए से लेके जेड तक पूरी पढ़ाई कर लेगी? आपका ध्यान जाएगा कि नहीं, वो 1 से 10 तक गिनती नहीं जानती, वो जानती है, लेकिन कैमरे के सामने वो नर्वस हो रही है। कैमरे के सामने बोलने में अक्सर लोग नर्वस हो जाते हैं, लेकिन ABCD इसने पूरा बोला। संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम सब लोग बराबर हैं, हम सब लोग जो हैं वो बराबर हैं। देखिए यहाँ पर सब बराबर हैं, इसमें मिश्रा का बच्चा भी है, इसमें उरांव का बच्चा भी है, इसमें मुंडा का बच्चा भी है, इसमें चमार का बच्चा भी है, इसमें पंडित जी का बच्चा भी है। यही स्कूल की खूबसूरती है, यही ये सरकारी स्कूल है और यही संविधान की प्रस्तावना है। चलिए उस बच्ची के पास मैं आ रहा हूँ। क्या मैं आता हूँ बात करने की कोशिश करता हूँ। बेटा क्या नाम है बेटा? निकिता कुमारी। कौन क्लास में? 5। कहाँ बन रहा, कहाँ खा रही हो खाने में? मूली साग। और? आलू। आलू जी। अच्छा लग रहा खाना? जी। निकिता 5 क्लास में हो, स्कूल आने में अच्छा लगता है बेटा? जी।
अच्छा लगता है। पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है। नहीं है। और मम्मी है? मम्मी क्या करती है? काम। काम करती है, मजदूरी करती है जी। बड़ा होके क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी। देखिए यही है संविधान की ताकत। एक बच्ची स्कूल में मूली भात खा रही है, वो बच्ची सपना देख रही है डॉक्टर बनने का। क्यों? क्योंकि संविधान ने उसे शक्ति दी है। बेटा ABCD पूरा आता है जी? सुनाओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। संविधान के बारे में जानती हो? क्या होता है संविधान? प्रस्तावना। बताओ तो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ईस्वी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। जय हिंद जय भारत। आपको याद है संविधान की प्रस्तावना? नहीं याद होगी, लेकिन इस बच्ची को याद है। सब लोग ताली बजाइए भाई इस बच्ची के लिए। गजब, बहुत शानदार एकदम। आप खूब पढ़िए और डॉक्टर बनिए, ठीक है? देखिए ये इससे खूबसूरत तस्वीर 26 जनवरी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप मतलब देख सकते हैं ये बच्चे जो हैं, इनमें से कोई IAS बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। और संविधान ने सही मायने में इनको वो ताकत दी है जिस ताकत के तहत ये बच्चे जो हैं, ये अपने आप को फ्यूचर में देखना चाह रहे हैं एक डॉक्टर के तर्ज पे, एक इंजीनियर के तर्ज पे, एक IAS के तर्ज पे। यहाँ शिक्षक भी मौजूद है, शिक्षकों से भी बात करेंगे तमाम शिक्षक। मैम ये जो बच्चे हैं संविधान के प्रश्न, मतलब सीना फूल गया खुशी से। अमूमन ये देखने को नहीं मिलता है आज तो, चूंकि और खूबसूरत तस्वीर होती है अगर ये ड्रेस में आते। आप लोग इनको अभी परेड की रिहर्सल करा रहे हैं तो ठीक है, ड्रेस आज बनता भी नहीं है। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि मीडिया जो है वो दिखाता है कि नहीं नहीं शिक्षक पढ़ाते नहीं है, शिक्षक ये नहीं करते, शिक्षक वो नहीं करते। लेकिन आप जब स्कूल आते हैं सुबह में, तो स्कूल आने से पहले एक माँ की जिम्मेदारी, एक पत्नी की जिम्मेदारी, एक बहू की जिम्मेदारी, सब कुछ निभाना पड़ता है। उसके बाद आकर के यहाँ पर एक बच्चा है, उधर मत भागो रे, है तुम पढ़ो ABCD, एक अलग संघर्ष है वो। तो मतलब कैसे करते हैं? हम एक शिक्षक हैं, शिक्षिका हूँ, और शिक्षिका के नाते हम लोग बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छी विचार, अच्छी सोच हम लोग डालना चाहते हैं कि ताकि बच्चे आगे जाके फ्यूचर में अपना जीवन यापन अच्छी तरह से करे, ऊंचाई पर जाए बच्चे को। और बच्चे को हम लोग चाहते हैं कि बच्चे लोग इतने अच्छे बने कि बच्चा हमारा स्कूल का नाम रोशन करे। देखिए और भी है, कैसे कितना मेहनत करना पड़ रहा है? हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है बच्चे को अनुशासित करने के लिए। ये सब सारे देहात के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, जैसे सो के उठ के चले आते हैं, ड्रेस सिर्फ ऊपर से डाले, अंदर का कपड़ा पहने हैं वैसे ही चले आते हैं। तो हम इन सब के गार्जियन को जैसे मीटिंग में बुलाकर या साप्ताहिक बुलाकर अनुश्रवण कराने के लिए बुलाते हैं, उन लोग को हिदायत देते हैं कि कम से कम बच्चों को घर से हम लोग जो पढ़ाते हैं उसे दुहरवाएं और साफ सुथरा बच्चों को भेजे। मैम सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर आदिवासी का भी बच्चा है, पंडित जी का भी बच्चा है, राजपूत का भी बच्चा है, भूमिहार का भी बच्चा है, और सबसे बड़ा बात कि जितना बच्चा है सब आपका बच्चा है, आप उन बच्चों में फर्क नहीं करते। संविधान की प्रस्तावना जब इस बच्ची ने सुनाया तो मन इतना खुश हुआ, प्रफुल्लित हो गया। लेकिन इस संविधान की प्रस्तावना के बीच आप लोगों को किन किन चुनौती का सामना करना पड़ता है? हम लोग को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। हाँ, बच्चों को स्पष्ट बोलने के लिए और सब में समभाव लाने के लिए, माने बोलने के लिए सिखाना पड़ता है। सबको मिलजुल के रहना सिखाते हैं हम लोग, मिलजुल के काम करने के लिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करने के लिए संभावना। हाँ हाँ, उस संविधान का क्या अर्थ है उसके बारे में हम लोग बताते हैं ये, और बच्चों का हम लोग सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। हाँ, किसी भी जाति धर्म का हो, वो जो भी बच्चे जो भी जाति धर्म को हो उसको नहीं करना है, सबको आपस में मिलजुल कर आगे की ओर बढ़ना। हम चाहते हैं कि और आगे जाए और हमारे स्कूल का नाम करे।
एग्जाम भी निकल जाता है और वो रिटर्न नहीं करते हैं, तो एक अंदर से कसक रह जाती है कि भाई इतना तैयारी कराए, इतना कुछ सिखाए और वो एग्जाम में ही शामिल नहीं हुआ। फिर कहीं ना कहीं चूंकि हम पढ़े लिखे हैं तो एक रहता है कि अरे ये पढ़ नहीं पाएगा, फिर समाज को उस नजरिए से नहीं देख पाएगा जिस नजरिए से देखना है। इस बात का पर्सनली मुझे हमेशा दुख रहा है और जब भी पेरेंट से मैं मिली, जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग हुआ, मैंने हमेशा बोला है कि देखिए पढ़ाई का क्या महत्व है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे तो अभी बच्चे ही हैं, उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे भी जो हैं कुछ थोड़े बहुत, उन इतनी गरीबी है यहाँ पे मुझे महसूस हुआ है कि उनको माइग्रेट करना पड़ता है अर्न करने के लिए, तो वो मजबूर हो जाते हैं। तो फिर भी मैं चाहती हूँ कि वो जागरूक रहें कि पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंट है। मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे से खेती कर सकते हैं, आप अच्छे से कमा सकते हैं, जो भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिकली साइड जो होगा, इकोनॉमिकल साइड, वो आपका साउंडेड होगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज मुझे लगता है, रूट कॉज पे होना चाहिए। जैसे मैं चाहती हूँ कि गांव में एक जागरूकता जो है रूट में है, उनके उनमें जागरूकता फैलाया जाए कि भाई शिक्षा का, लोग तो बोलते हैं कि हो रहा है हो रहा है, लेकिन यहाँ दिखता नहीं है कि कितने पेरेंट्स जागरूक हैं, तो कहाँ हो रहा है फिर, ये बात मुझे लगता है। तो देखिए एक फिल्म आई थी साउथ इंडियन भाषा में, फिल्म थी तेलुगु की, मैडम गीता रानी। वहां पर एक मैडम गीता रानी थी, यहाँ तमाम मैडम गीता रानी है। ये अपने स्तर पे शिक्षक बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ। तमाम शिक्षकों को सबसे पहले तो साधुवाद है। अब मैं आता हूँ बुनियादी समस्याओं पर। आपको सबसे पहली बुनियादी समस्या यहाँ की मैं बताता हूँ, मध्याह्न भोजन बनता है, मैं दिखाता हूँ। देखिये मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए बनता है यहाँ पर, लेकिन मध्याह्न भोजन बनने के बाद बच्चों को पीने का पानी यहाँ पर मयस्सर नहीं है। वहां आपको DMFT फंड के तहत एक जो टंकी है वो दिख रही होगी, लेकिन वो किसी काम का नहीं। एक खराब बोरिंग मैंने दिखा दी, ये दूसरी खराब बोरिंग यहाँ पर देख लीजिए, वो भी खराब है, वो चापाकल आपको दिख रहा होगा। ये भवन देख लीजिए टूटने वाला, लेकिन उससे पहले ये देखिए मध्याह्न भोजन जो बनता है, उस भोजन को बनाने के लिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। बर्तन धोने के लिए ये लातेहार जिला है, या तो लोहरदगा जिले से बच्चे पानी लेकर के आते हैं, या फिर दूसरा जिला जो है रांची जिला से जो बच्चे हैं वो पानी लेकर के आते हैं। खाना बनाने वाले यहाँ पर हैं, इनसे मैं बात कर लेता हूँ, आइए ना थोड़ा जाइए। पानी का कितना समस्या है? बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत है। हाँ, पानी कहाँ से लाते हैं? वो दोहा कुआं से लाते हैं, दोहा से। रांची जिला पड़ा? वो भी रांची जिला, इधर भी रांची जिला, पीछे लोहरदगा जिला। हाँ, नहीं रांची, दूसरा जिला से पानी लेकर। अधिकारी लोग आता है, आप बताए ना, बहुत आके तो मीटिंग में भी जा बोले हैं कि पानी की हम लोग का व्यवस्था कर दीजिए, पानी नहीं है, बहुत परेशानी होते है। जैसे मोटर सब चलता है उस समय तो यहाँ से भी ले आते हैं, पर बच्चा लोग बिजली अथी रहता है, गिर जाएगा धक्का उक्का होके फिर का। अच्छा यहाँ पर आप खाना बना रहे हैं, डर नहीं लगता है गिर जाएगा, फंस जाएगा? अरे इसका तो डर तो नहीं है, जैसे देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पर खाना बनता है। ये दरार देख लीजिए, ये दरार अपने आप में पूरी कहानी बता देता है। अंदर की तस्वीर देखिए, देखिए ये छत की तस्वीर है, देख लीजिए पूरा काला हो चुका है, पपड़ियां निकल रही हैं, अक्सर चोरी हो जाती है यहाँ पे। इसको जोर से अगर इधर दिखाइए, इसको मैं अगर जोर से खींच दूंगा तो ये निकल करके बाहर आ जाएगा, ये स्थिति है। इधर की तस्वीर में दिखाता हूं, देखिए ये पूरा धंस रहा है, देखिए ये जो है ये स्कूल में ये पूरा धंस रहा है, देखिए ये कभी भी गिर सकता है। इसको जोर से अगर मैं खींच दूं तो ये भी गिर जाएगा, ये टूट जाएगा, ये देखिए स्थितियां देख लीजिए, इधर देखिए ये पूरा टूट रहा है, ये स्थितियां देख लीजिए किस तरीके से बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। शिक्षा सचिव सीटी बजवाते हैं लेकिन इन चीजों पर ये पूरा धंस गया है। ये शिक्षा सचिव सीटी बजवाते हैं लेकिन बुनियादी सुविधाओं पर काम जो है वो नहीं करते है। स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, इस पर काम नहीं किया जाता है और सीटी बजवाया जाता है कि बच्चे आएंगे। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए परेड का रिहर्सल चल रहा है, तस्वीरें देखिए बाकायदा, ये परेड का रिहर्सल चल रहा है 26 जनवरी का फाइनल परेड का रिहर्सल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए ये तस्वीरें, मार्च पास चल रहा है बच्चों का, देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही संविधान की ताकत है। जैसा कि मैंने आपको कहा
कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। देखिए शिक्षक मेहनत कर रहे हैं और बच्चे पैरेड का रिहर्सल कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गजब तस्वीरें, शानदार तस्वीरें। ये देखिए, अब देखिए, तो देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये जो तस्वीरें ये स्कूल की हैं। तो देखिए अब एक एक करके तमाम महापुरुषों की जय। ये परेड की तैयारी थी, ये पूरे तरीके से लाइन बनाया गया, क्लास वाइज लाइन बनाया गया बच्चों का, एक एक करके सारे बच्चे। ये तो थी पॉजिटिव बात, अब नेगेटिव चीज देख लीजिए। यहाँ पर पानी की व्यवस्था देख लीजिए, पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। ये एक चापाकल मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, दूसरा चापाकल है ये देखिए। ये एक डीएमएफटी फंड के तहत ये जल मीनार बनी हुई है, लेकिन ये भी किसी काम का नहीं है। वहां दूर नल जल मिशन के तहत पानी का पॉइंट दिया गया, लेकिन वहां भी पानी नहीं है। अब इनको पानी लाने के लिए रांची जिला जाना पड़ता है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर जाके ये बच्चे पानी लेकर के आते हैं, तब जाकर के स्कूल में किसी तरीके से बर्तन धोया जाता है। बच्चे पानी के लिए अपने अपने बॉटल्स लेकर के आते हैं। तो इन समस्याओं, इन बुनियादी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान की जरूरत है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, फंक्शनल जो है, मैं आपको गीत सुनाता हूं। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन मेरा, हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा फरिंदा। अर्जी दीवाने की जहां गोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरा शाम हो, कभी याद करे जजमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा फरिंदा। आंचल तेरा रहमा रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म सादत दे दे, मंजूर हमें है जो भी तू चुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा फरिंदा। थाली बजाइए भाई, इतना खूबसूरत गाना है, इतना खूबसूरत गाना है। देखिए ये 26 जनवरी के लिए, ये 26 जनवरी के लिए बकायदा ये प्रिपरेशन किया गया है। क्या ये भी कुछ गाना गाते हैं? वाह बेटा, क्या नाम है बेटा? सुदर्शन महली। सुदर्शन महतो महली। चलिए सुनाइए, क्या सुनाएंगे? सुनाइए, पकड़े हुए हम गाइए। रे दया जनमो जनमो पाली तोर से जवानी रे मो जनमो जना में
कहली मोए तय तो के जवानी दूरे तो ना चली जाबे दूरे अरे दया दूरे नहीं बगबे रे दूर से तो ये तय मोके कहली जवानी सो मोए तो कहलो बेटा मोए तो कहलो बेटा 26 जनवरी बनाबो कहलिए तेरे मना तोर से जुड़िए जोड़ी मन में खेलाबू जोड़ी जोड़ी जुमी मोके सदा बाहर देबू रे दया जुमी के मोजाबू होले जुमी के मोजाबू होले कचा लक्ष्मी तो देबे कचा मा लक्ष्मी देबे तो ये ता सुंदरी तो जनमो दे ले रे मना जनमो तो दे ले रे दया जनमो तो दे ले होले जनमो से दूर नहीं भगले जनामे 26 जनवरी के बिताब मैं तो नहीं जाबू होले तोर से दीवानी तो बनी मैं भागबू तोर से जुदा ताय मोरे जुदा कर चली जाबू मैं तो विदाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बच्चा लोग देखिए आपको ये तस्वीरें कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। क्या नाम है बेटा? अनुपा उराव। क्या सुनाओगी? सुनाओ। हाँ दोनों को ही सुनाओ। तुम्हारा क्या नाम है? स्वाति कुमारी। दोनों को ही सुनाओ। चलो आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के हम बच्चे हिंदुस्तान के हम जिस मिट्टी के अंकुर है उसकी सांग निराली है उसके खेतों में सोना है बागों में हरियाली है धन दौलत से ज्यादा ऊंचे हम बच्चे हिंदुस्तान के निकले सीना तान के हम बच्चे हिंदुस्तान के। वाह बहुत अच्छा गजब। तो देखिए ये तस्वीरें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी। मैंने बताया आपको कि आपने एक फिल्म देखी थी जिसमें एक मैडम गीता रानी थी, यहाँ इतनी सारी मैडम गीता रानी हैं। तस्वीरें दिखाई है, इन तमाम शिक्षकों को TV45 सलाम करता है, इसलिए क्योंकि आप हैं तभी देश में संविधान है। आप ही वो माएं हैं जो बच्चों को शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिलाती है। अगर आप ना हो तो देश आगे ना बढ़ सके। ठीक है, संभव है कहीं पर कुछ कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करने की जरूरत है। जैसे इस तरीके की बिल्डिंग, इतने बड़े स्कूल में सिर्फ 2 बिल्डिंग जो है वो काम की है, यहाँ पर एक और वो कोने में 2। अब मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये किसी हादसे को दावत देने जैसा है। यहाँ के शिक्षक जो है वो अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर करके थक गए। देखिए वहां पर ये देखिए छप्पर जो है ये धंस रहा है, ऊपर से ये प्लास्टर जो है ये गिर रहा है। तो जब तक इसको बनवाया ना जाए, यह बच्चों के साथ के जान के साथ खिलवाड़ ही है। ये देखिए तस्वीरें, तो इसको लेकर के एक्शन लेने की जरूरत है। अमूल चूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने की जरूरत है। तो आप दूर तस्वीर देख सकते हैं, पैरेड की तैयारी चल रही है 26 जनवरी के लिए। हमने आपको एक अनोखा स्कूल दिखाया जिस स्कूल का कुछ हिस्सा जो है वो लोहरदगा जिले में, कुछ हिस्सा रांची जिला में, कुछ हिस्सा लातेहार जिला में पड़ता है। ये लातेहार जिला का राजकीय मध्य विद्यालय बेहतर नवाटांड है, जहाँ संविधान हर रोज पढ़ाया जाता है बच्चों को, संविधान बच्चों को कंठस्थ है। सहयोगी पिंटू के साथ में अभिषेक भारती, TV45 रांची।